हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी के लिए हम बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से करते हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें मोदक। हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो आज के जो हमारे मोदक रहेंगे वो 5 मिनट में बनने वाले रहेंगे बिना गैस जलाए, और बहुत ही नया तरीका है। आप लास्ट तक देखें तो आज के हमारे जो मोदक रेसिपी है वो नारियल और मावा से बनने वाली है, और वो बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार सामग्री देख लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपीज बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए राइट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, सामग्री में मैंने लिया है ये नारियल का बुरादा है, और ये मैंने रेडीमेड लिया है, आप मार्केट से ले सकते हैं। मैंने एक कटोरी लिया है, और ये शक्कर का बूरा है, ये भी मैंने रेडीमेड लिया है, और ये भी एक कटोरी है। दोनों की क्वांटिटी बराबर है। और मैंने मावा लिया है, आप देख सकते हैं आधी कटोरी से थोड़ा कम है। और मैंने मोदक बनाने का सांचा लिया हुआ है, आपके पास जिस भी प्रकार का सांचा हो आप उससे बना सकते हैं, मैंने इस टाइप का लिया है। और मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं केवड़ा एसेंस लिया है, जो कि इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है, तो हमने ये लिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक नींबू येलो कलर लिया हुआ है, ये भी हमें कलर देने के लिए लगेगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सी सामग्री कहाँ पे यूज़ होने वाली है आप लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेना है, मैंने नारियल का बूरा डाल दिया है, और इसी तरीके से हम सारी सामग्री डालेंगे। ये हम शक्कर का बूरा डाल रहे हैं, मावा जो लिया है फ्रेंड्स मैंने ये होममेड मावा लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे मावा रेसिपी नहीं देखी है तो ऊपर आप कार्ड में देख सकते हैं, तो ये हमने लिया है इतना, आप देख सकते हैं। इन तीनों चीजों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा नारियल है और मावा शक्कर, मैंने तीनों चीजों को अच्छे से मिला लिया है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा मावा है खोवा है, थोड़ा गीला होना चाहिए, एकदम सूखा टाइट रहेगा तो इसमें नमी नहीं आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से दब रहा है, अगर ये दबेगा तभी हमारे मोदक बनेंगे। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से करके देख लेना है कि मोदक बनेंगे या नहीं भी। तो आप मावा जो है थोड़ा सॉफ्ट टाइप का ही ले, और अगर सूखा है तो थोड़ा ज्यादा मावा आप ले सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, और ये जो हमारा आधा है मैं इसमें यहाँ पे कलर दे रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम येलो कलर, मैंने आपको बताया कि नींबू येलो कलर है हमारा, तो यहाँ पे हम एक चुटकी के लगभग कलर ले लेंगे। और इसमें जो हमने ये डाल रहे हैं केवड़ा एसेंस, तो मैं इसकी बूंदे इसमें गिराऊंगी, 4-5 बूंदे हमें लेना है। ये देखिए, इससे कलर भी आ जाता है और फ्लेवर भी आ जाता है। तो ये देखिए गीला हो गया है, और अब हम इसे मिला लेंगे, और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर काफी अच्छा छोड़ दिया है क्योंकि हमने इसके ऊपर से जो हमारा केवड़ा एसेंस था वो डाला, तो उसमें काफी अच्छा कलर आ गया है। और अगर आप वो नहीं डालना चाहें तो उसकी जगह पे आप दूध भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, गीला होने पे कलर काफी अच्छा आ जाता है, और ऐसे सूखे में हम डालते हैं तो काफी अच्छा कलर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ग्रीन कलर सॉरी येलो कलर वाला भर रहे हैं, तो हम पहले हाथ से इस तरीके से दबा देंगे इसे। इसे अच्छे से दबा कर भरेंगे तो ये काफी अच्छा बन जाएगा इस तरीके से। हमने इसके अंदर घी लगा लिया है, घी से ग्रीस कर लिया है पहले। दबाते हुए अगर हम बनाएंगे तो काफी अच्छे बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो पिन है इसको निकाल देंगे, और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके का हमारा मोदक रेडी हो गया है, और अब हम इसे निकाल लेंगे।
नीचे से दबाते हुए। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा बस आराम से निकालना पड़ता है। ये देखिए मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। और जो मोदक है आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, कोई अगर आपके घर में सांचा नहीं है तो। और मैंने इस तरीके से बनाया है और हम बाकी भी बना लेंगे, बाकी मोदक भी। तो फ्रेंड्स मैंने येलो वाले बना लिए हैं और अब हम व्हाइट बना लेंगे। बहुत अच्छे से मोदक बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारा मटेरियल है इसको हम पहले गोलियां बना लेंगे इस तरीके से दबा के। हमने सांचे को धो लिया है क्योंकि ये येलो कलर वाला हमने बनाया था और अब हम व्हाइट वाला बना रहे हैं। तो हमने इसमें घी को लगा लिया है अच्छे से और अब हमने ये देखेंगे इस तरीके से दबाते हुए इसको सांचे के अंदर डाल देना है। और यहाँ पे जो इसका नुकीलापन है यहाँ पे हम इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि इसका जो शेप है वो काफी अच्छा आ जाए। और हम ये जो बाकी है इसे तोड़ देंगे। हमने एक तरफ अच्छे से दबा दिया है और इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। और ये जो बाहर निकला हुआ है इसको हम इस तरीके से दबा देंगे। और बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें इसको और भी ज़्यादा भर देंगे ताकि इससे काफ़ी अच्छा बने। ये बहुत ही अच्छे से हमने पैक कर दिया है और इस तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अब हम इसे खोल लेंगे और ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है। और इसे हमें बहुत ही आराम से निकालना होता है क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा खोआ नहीं डाला है। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छा बन गया है। और इसी तरीके से हम सारे मोदक व्हाइट वाले भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं हमारे जो मोदक है और अब हम इसको रख देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे मोदक बन के रेडी हो गए हैं। और ये इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रिक्स बताई है क्योंकि ये नारियल के मोदक है, ये थोड़े दरदरे भी दिखते हैं, एकदम चिकनापन नहीं होता है इसमें। तो इसे आप जब सांचे में भरते हैं तो मुठिये की तरह आप दबा कर अच्छे से प्रेस करके उसे निकाल लें तो काफी जल्दी निकल जाएंगे और जल्दी से बन जाएंगे। आप इसे जरूर ट्राई करें, गणेश चतुर्थी आने वाली है, आप ये जरूर बनाएं और लाइक और शेयर भी कर दें जो कि आपके फ्रेंड्स फैमिली आपके रिलेशन में कहीं पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे जो मोदक रेसिपी है कैसी लगी है। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को और खाने को मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।